दोस्तों आप देख पा रही है दोस्तों, ये सब वेस्ट बंगाल का कैंडिडेट है, ठीक है। तो आज हम लोग गया था बीजेपी का जो एमपी है जगन्नाथ सरकार, उनके पास हम लोग गए थे। तो जाने के बाद एक मेमोरेंडम दिया है उनको, और उनको बोला जो हमारा जो मुद्दा है एससीजीडी 2018 का जो मुद्दा है, वो मुद्दा को उठाने के लिए बोला है, और बोला है होम मिनिस्टर से बात करने के लिए ये भी बोला है। और जो होम मिनिस्टर से 45 डे मांगा है हम लोगों से, जो एसएससी स्टूडेंट से मांगा है, तो हम लोगों ने ये बोला जो हमारा जो मुद्दा है वो पॉजिटिव आने के लिए आप होम मिनिस्टर को बोलो, जो हमारा जो मुद्दा है वो पॉजिटिव आए यही बात आपको आप होम मिनिस्टर को बोलो, यही बोला है। तो विशेष करके जो स्टूडेंट है, जो स्टेट का स्टूडेंट है एसएससीजीडी 2018 का, मैं उनसे एक ही निवेदन करूंगा, आप एक काम करो, आपका स्टेट में जितना भी बीजेपी का एमपी है, ठीक है ना, उनके पास जाओ, जाके बोलो जो हमारा जो मुद्दा है वो मुद्दा आप उठाने के लिए बोलो, ठीक है। होम मिनिस्टर से बात करने के लिए बोलो, अभी भी संसद बंद है, संसद अभी नहीं चलेगा, ठीक है। तो आप एक काम करो, आपका जो डिस्ट्रिक्ट में एमपी है, बीजेपी का एमपी है, आप जाओ जाके बोलो जो हमारा जो मुद्दा है वो मुद्दा को लेकर होम मिनिस्टर से बात करने के लिए आप बोलो, ठीक है। और मेमोरेंडम भी दो उसको, ठीक है, आपका जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में उनको मेमोरेंडम दो, और होम मिनिस्टर को एक मेमोरेंडम दो, ठीक है, हिंदी में इंग्लिश में एक मेमोरेंडम दो, यही बोलना था। और जो विशेष करके जो स्टेट में चुनाव है, अभी चुनाव का माहौल है, 7 राज्यों में चुनाव है अभी, ठीक है ना, तो जो स्टेट में चुनाव है आपको क्या करना है, देखो दोस्तों, उस स्टेट का जो कैंडिडेट है ना, उस कैंडिडेट को क्या करना है, अभी उस स्टेट में प्रोटेस्ट करना है, ठीक है। जब हम लोग लखनऊ में किया है, इलाहाबाद में भी किया है हम लोगों ने, ठीक है ना, तो ऐसा करना है तो हम वेस्ट बंगाल से यूपी जा सकते हैं, तो आप क्यों स्टेट में आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। तो दोस्तों आपको क्या करना है, दोस्तों आपको हर स्टेट में प्रोटेस्ट करना है, ठीक है, जो स्टेट में चुनाव है। और आप जितना भी बीजेपी का एमपी है उनको मेमोरेंडम दो, उनको बोलो हमारा जो 45 दिन मांगा है, 45 डे मांगा है होम मिनिस्टर ने, उनके साथ बातचीत करने के लिए बोलो, और हमारा जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स आने के लिए बोलो। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद। मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ, इंडिया में जितना स्टेट है सभी एसएससीजीडी 2018 जो कैंडिडेट है, जो मेडिकल फील्ड है, तो सभी भाई एक साथ मिलकर काम करो और यूनिटी बढ़ाओ, ठीक है, हमारी बात होम मिनिस्टर तक पहुँचाओ, एक ही बात बोलना चाहता हूँ, जय हिंद, वंदे मातरम। नाम की छवि ओटा दीजिए। तो दोस्तों आप देख सकते हो, ये सिर्फ वेस्ट बंगाल का एक डिस्ट्रिक्ट का स्टूडेंट है, ठीक है ना, वेस्ट बंगाल का एक डिस्ट्रिक्ट का, सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट का स्टूडेंट है, तो पूरा स्टूडेंट एक डिस्ट्रिक्ट का पूरा स्टूडेंट भी नहीं है, ठीक है ना। तो कृपया करके आपका जो डिस्ट्रिक्ट है आप उस डिस्ट्रिक्ट में जाओ, आपका डिस्ट्रिक्ट का जो एमपी है उस एमपी को मेमोरेंडम लिखो, और उनको बोलो हमारा बात, हमारा जो मुद्दा है वो मुद्दा उठाने के लिए बोलो। और जो गृह मंत्रालय से जो 45 डे मांगा है तो उसका क्या हुआ, रिस्पांस क्या हुआ, और बोलो जो होम मिनिस्टर से बात करने के लिए हमारा वो जो रिस्पांस है वो हमारा हक में आने के लिए बोलो। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।